टॉर्क, व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द गिवन लूप, टॉर्क आपका बेटे मोमेंट ऑफ फोर्स है बेसिकली। लेट मी टेक द हेल्प ऑफ द डायग्राम इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन डिटेल टू यू बेटा डियर चिल्ड्रन। इमेजिन दैट बेटा वी आर हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द रीजन ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड। दिस इज द डायरेक्शन इन विच द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग बेटा। यू कैन सी पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट लाइंस इन द फॉर्म ऑफ द एरोज इंडिकेटिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द स्ट्रेंथ कैपिटल बी डायरेक्टली डिपिक्टिंग दैट नॉर्थ पोल मस्ट बी ऑन दिस साइड एंड द साउथ पोल मस्ट बी ऑन द फर्दर साइड बेटा। फर्दर मोर लेट मी इमेजिन दैट बेटा आई हैव ए लूप इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल और सिंपली ए रेक्टेंगुलर क्वाइल यू कैन से, एंड आई एम एडजस्टिंग इट इन द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस वे बेटा एस। और दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे करंट कैरिंग लिखना चाहिए, वो मिस हो गया हमारा। करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बेटा। डियर ऑल लेट मी अगेन मार्क द डायरेक्शन ऑफ द करंट। लेट इट बी मूविंग और फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस इन द लूप मार्क डैश ए बी सी एंड डी बेटा। एंड फर्दर मोर यू कैन वेल सी दैट योर लूप इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन एज सच। नाउ बेटे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यू हैव डिस्कस्ड, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा वी हैव कंप्लीटेड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा बेटा। बी बीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आई मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स ये डेफिनेटली आपका लेंथ है ए बी और बी सी डेफिनेटली आपका बेटे ब्रेथ हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर क्वाइल का बेटा। इतना फोर्स इस रेक्टेंगुलर क्वाइल की हर एक ब्रांच पे लग रहा है। और इस केस में अगर मैं बेटे रूल अप्लाई करूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूं, आइए आपको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा कि इस डायरेक्शन में है, इस प्लेन में है रादर। आई विल होल्ड माई लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी विल हैव टू अप्लाई। आई विल होल्ड माई फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर इन द फील्ड, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ए बी ब्रांच में करंट उत्तर डाउनवर्ड है, करंट इज डाउनवर्ड, फील्ड इज दैटवर्ड। सी माई थंब, इट इज जस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। इसका मतलब बेटे ये हुआ इस ब्रांच पर एक बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और फोर्स होगा कितना, दैट विल बी बी आई एल साइन 90। क्यों 90? बिकॉज आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरियर कंडक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दैट इज वाई दिस थीटा इज 90। सो ए बी ब्रांच पे आपका फोर्स बन गया जी बी आई एल। अब आप उधर सी डी ब्रांच पे जो लेंथ है उस पे आ जाइए। सी डी ब्रांच को ध्यान से देखिएगा, इसमें करंट अपवर्ड है। लेट मी अप्लाई द रूल वंस अगेन। दिस इज माई लेफ्ट हैंड, फर्स्ट फिंगर फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मस्ट बी हेल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फील्ड उधर हो गया, देखिए ध्यान से, फील्ड इज इन द डायरेक्शन मार्क, करंट अपवर्ड होना चाहिए, आई एम टिल्टिंग इट अपवर्ड। सी दिस,
फील्ड उधर को है, ये करंट हुआ. इफ आई शिफ्ट इट पैरेलल यू कैन सी, यू कैन नॉट सी रादर माई थंब पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू यू, दैट विल नॉट बी विजिबल टू यू. आप अपना रूल अप्लाई करके देख सकते हो अपनी नोटबुक पे. आप अपनी नोटबुक पे ये बनाओ, अपना लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, यू विल गेट द थिंग्स क्लियरिफाइड एज सच. इसका मतलब ये हुआ, इस पे फोर्स लग गया अंदर की तरफ. इट इज एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90. इट इज अगेन बी आई एल. और बच्चों आई हैव वन पेज विद मी. मान लीजिए कि फील्ड इधर है मेरी आर्म की डायरेक्शन में, क्वाइल मैंने इसके परपेंडिकुलर रखा ऐसे. क्वाइल में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, करंट इधर हुआ, फील्ड उधर है, तो इस ब्रांच पर डाउनवर्ड, इस ब्रांच पर अपवर्ड फोर्स लगेगा, ये कैंसिल आउट करेगा. आई जस्ट वॉन्ट टू से बेटा डियर स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है, ए डी ब्रांच और सी डी ब्रांच, ये दो ब्रांचेस पर ऐसे फोर्स लगेगी, एक पर ऊपर एक पर नीचे, वो कैंसिल आउट करेंगी. और अच्छे सबसे बड़ी बात बेटी ये है, मैं आपको इनिशियली इंडिकेट करना रह गया, आपका कॉइल इस एक्सिस के राउंड अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है. आई मीन टू से दैट रोटेट करने के लिए फ्री का क्या मतलब है, अगर ये कॉइल है ऐसे ऐसे, दिस वे इट कैन रोटेट और दिस वे इट कैन रोटेट डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक फोर्स एंड द टॉर्क. Either it may be rotating in this way or it may be rotating in this way depending upon the torque acting on the length of the coil beta. Now dear children, अगर मैं इस branch की बात करूँ तो force इधर लग गया, इस branch पे breadth वाली branch पे नीचे लग गया, cancel out कर गया दोनों forces beta. लेकिन अगर आप इन दो forces की बात करो, ये force आपकी तरफ था, ये फोर्स अंदर की तरफ था, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर क्वाइल, मैं फिर से पेज उठाऊं, अगर ये क्वाइल है तो इस ब्रांच पर आपकी तरफ, इस ब्रांच पर अंदर की तरफ, तो इट विल टिल्ट इन दिस वे, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. एंड इन दिस मैनर वी कैन स्टडी द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर क्वाइल. अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा. 11th स्टैंडर्ड में आपने एक टर्म डिस्कस किया था टॉर्क, रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में आपने किया होगा टॉर्क. आपने किसी स्टूडेंट को याद है बेटे, इश पुनीत, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म टॉर्क? इश पुनीत, टॉर्क का मैं बताता हूँ सर आपको. सर टॉर्क इक्वल होता आई अल्फा. बिल्कुल ठीक, लेकिन ना यहाँ पे आई ना अल्फा, क्या करें? तो सर तो सर फिर एफ आर साइन थीटा या फिर सर एफ साइन थीटा इनटू आर. अभी यहाँ पे थीटा साइन थीटा भी नहीं दिख रहा, क्या करें? तो सर एफ, तो सर वो तो सर फिर 90 है ना, एफ सर एफ डॉट आर. वेरी गुड वेरी गुड. सो टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the axis of rotation beta. समझ आ गई बात पुत्र? So torque बन गया force. तो आपने देखो बेटे, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों forces आपकी equal and opposite forces हैं. जब भी हम बेटे torque की बात करते हैं, we always say that torque is the product of the either force and the perpendicular distance between the two forces बेटे, जब भी आप rotational motion की बात करते हो. तो ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, मैं अभी बनाऊंगा यहाँ पे, वी विल बी टेकिंग दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो टॉर्क फोर्स की जगह पे बेटे मैं ये लिखूंगा, इट विल बी इक्वल टू बी आई एल, और ये आपका मैक्सिमम बेटे फोर्स हो गया, जैसे आप लोग बता रहे थे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए बेटे देखिए, मैं डायग्राम में थोड़ा सा यहाँ पे अमेंडमेंट कर रहा हूं. ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ दोनों ही जो फोर्सेस हैं इनके बीच में. अगर ये एंगल थीटा है, दिस विल आल्सो बी थीटा बेटा, आई विल हैव टू रब दिस पार्ट. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में. अगर मैं इसको एक्स मार्क कर लेता हूं,
ये राइट एंगल है मेरे पास, ये 90 डिग्री का, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये थीटा है आपके पास, तो बेस आपका एक्स है, एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज बी है, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल थीटा, एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, एक्स आपका दोनों फोर्सेस के बीच में बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पुट कर दीजिए, दिस इज बी कॉस थीटा, बेटा थोड़ा सा टर्म्स को बेटा मैं रीअरेंज करूंगा, इट विल बी बी आई लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इकट्ठे हो गए टर्म्स, इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा, और टॉर्क बन गया बी आई ए, लेंथ इनटू ब्रेथ तो एरिया ही होता है ना, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल थीटा. Dear students, we were talking about just one turn of the coil. Imagine you have n number of turns in the coil. If you have n number of turns, then beta, what will happen? Aapka torque ban jayega n, multiply kar diya maine, b I a cos of angle theta. Zara baat samjhne wali yahan pe ye hai. थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इज द एंगल विच द प्लेन ऑफ द क्वाइल, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्लेन ऑफ द क्वाइल इज मेकिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड. मैं नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल के बारे में अब बात करने जा रहा हूं कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल अगर एंगल, पहले ये बताइए यहां तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं. अविश, अभी मान्या, यस सर, ठीक है ठीक है, वेरी राइट बेटा. क्षितिज, क्षितिज बेटा, यस सर, बेटे क्लियर है यहां तक सारा? यस सर. चलिए देन आगे चलते हैं बेटा. इसके बाद बेटे मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल की बात करता हूँ. अभी तो हम देखिए प्रेजेंटली इसकी बात कर रहे थे. ये आपका बेटा वही क्वाइल वंस अगेन जो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. मैं थोड़ा साइज में छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसको भी नहीं रब करना चाहता, इसलिए मैं लेट मी रीड्रॉ. वी हैव बीन गिवन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटेड बाय पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस. बेटा ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने लगा रखा है एस एच. ये पॉइंट को देखिए, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर कोई पॉइंट है, दिस विल, इसका नॉर्मल इधर को होगा, परपेंडिकुलर टू दिस ये होगा नॉर्मल. बेटा अगर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल जो है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल अगर थीटा हो तो आप कैसे डील कर पाओगे बेटा? आपका सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा उस केस में. उस केस में एज इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन, सो इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. आपका ये एंगल थीटा बन जाएगा और ये चीज आपकी बी, इसको मैं थीटा डैश कह दूं, अल्फा बोल देता हूँ, बेटर रहेगा. ये तो आप इसको ऑलरेडी थीटा बोल ही चुके थे. ये आपका आ जाएगा एक्स, आपने इसको बोला था, ये ब्रेड था आपका. अब इस ट्रेंगल में आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक्स अपॉन बी, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल अल्फा. इसको देखना है हमने, अब थीटा हमारा खत्म हो गया बिकॉज वी आर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ अल्फा नाउ. तो एक्स आपके पास आ जाएगा बी साइन अल्फा. और बेटे अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आई definitely will be having that the torque acting on it. This is beta, let us see how we get it calculated. Torque aapke paas aa jayega putar, force tha n b i, ye l tha saath mein, ye b into sine of alpha aa gaya, length into breadth will give you area. Torque will be equal to n b i a sin alpha. और बेटे dear children, i into a, शायद हमने पहले बात की हो, it is magnetic dipole moment, n
बी एम साइन अल्फा, अगर एक ही टर्न हो तो और का आपका एम इंटू बी इंटू साइन अल्फा आप कह सकते हो, और डियर चिल्ड्रन वेक्टर फॉर्म में इट विल बी एम वेक्टर क्लॉस बी वेक्टर, आप ऐसे इसको कह सकते हैं. सो दिस इज द वे टू डील विद इट बेटा. एक सिल और तरीका भी है बेटे सोचने का, आइए वो भी आपको मैं थोड़ा इंडिकेट कर दूँ, बता दूँ आप लोगों को कि हम कैसे इसके साथ बेटे डील कर सकते हैं. एज सच यहीं पे फोकस करिएगा जरा, इस ट्रेंगल में इस एंगल को आपने थीटा बोल रखा है ऑलरेडी, अगर आप ये एंगल अल्फा कह देते हो, ये वाला एंगल अल्फा, तो आपके पास बेटे थीटा प्लस अल्फा इट विल टर्न आउट टू बी 90, थीटा इट विल बी 90 माइनस अल्फा, आप यहाँ पे थीटा की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, cot विल बी एन बी आई ए एंड cos ऑफ एंगल 90 माइनस अल्फा इट विल बी एन बी आई ए साइन अल्फा, आपको आपका रिजल्ट डायरेक्टली भी मिल जाएगा अगर आप एंगल अल्फा इमेजिन कर रहे हैं, आपका एंगल ये बना रहा है नॉर्मल टू द कॉइल, शायद यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया है, इट मस्ट बी अल्फा. सो इन दिस वे बेटे हम इसके साथ डील कर सकते हैं. सो याद रखिए हमेशा, अगर वो कहें कि आपका प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के एंगल साथ थीटा बना रहा है, तो आप कॉस वाला लोगे फॉर्मूला. अगर आपको वो कह दें कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल ये एंगल बना रहा है, तो पुत्र आपको ये वाला रिलेशनशिप जो है, या ये वाला रिलेशनशिप जो है, यू आर टू यूज दैट रिलेशनशिप एज सच. सो दिस वाज बिटे द केस ऑफ योर रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर लूप, रादर करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप placed in the uniform magnetic field. So, dear students, may I hope सबको clear है बेटा? Should I proceed ahead with the discussion? Okay बेटा, वंशिका, अंशिका, yes बेटा, okay, all right. So, आओ बच्चों, अब इसकी direct application हमारे पास है, moving coil galvanometer. ये बेटे आपके सीबीएसई में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया करता है, बट अब आपको देखो 5 मार्क्स वाला तो आएगा नहीं, बिकॉज यू आर नाउ मूविंग अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस इशूड बाय सीबीएसई, अकॉर्डिंग टू विच यू विल बी गेटिंग द मल्टीपल चॉइस पैटर्न ओनली फॉर द फर्स्ट टर्म, तो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू मैनेज द थिंग्स बेटा. सो दिस इज बेटे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दिस इज टर्म्ड एज MCG. फिर से रिपीट कर रहा हूं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लैब में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपको जरूर दिखाएंगे जैसे ही आप स्कूल आएंगे. इस केस में यू आर गिवन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अरेंज्ड इन सम रीजन, रादर ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड और अरेंज्ड इन सम रीजन ऑफ स्पेस एज इंडिकेटेड, दिस एज द नॉर्थ पोल, दिस एज द साउथ पोल. एक नॉन मेटेलिक फ्रेम लेकर इस फ्रेम के ऊपर हम एक वायर को इस तरीके से वाइंड कर देते हैं बेटा. दिस इज द वायर जिसकी हमने ऐसे वाइंडिंग कर रखी है, और जितनी भी टर्न्स आपको चाहिए आप बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो बेटा इन दिस मैनर. मैं ज़्यादा नहीं बनाता इसको, विद द हेल्प ऑफ ए हेयर लाइक स्प्रिंग ऐसे फिक्स किया गया है. इन द इंटरमीडिएट पोर्शन यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंड्रिकल सॉलिड मटेरियल, सॉफ्ट आयरन का सिलेंड्रिकल शेप में रखा गया है इन दिस मैनर बेटा, और ये सारी चीज को एक वुडन केस में एनक्लोज किया गया है.
कुछ इस तरीके से समथिंग लाइक दिस बेटा, ऐसे एक बड़ी फाइन वायर इसको कनेक्ट करके आपको यहाँ पे एक टर्मिनल दे देती है दिस वे। आपके पास दो टर्मिनल होते हैं ना कनेक्ट करने को डिवाइसेस के लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे आपने एक कंकेव मिरर अरेंज किया है लैंप। कंकेव मिरर क्यों? बिकॉज अगर हम इसके ऊपर लाइट ऐसे फॉल करवाएंगे, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, हम एंगल मेजर कर लेंगे, तो दैट विल बी गिविंग अस द क्लू कि कितना डिफ्लेक्शन हो गया है जब आप ये सारे का सारा सेटअप करोगे बेटा। इसको आपने एक टॉर्शन हेड की साथ ऐसे मैनेज कर रखा है, वाइंड कर रखा है, फिक्स कर रखा है। आप इसको एक कनेक्टिंग वायर लगाकर यहाँ पे टर्मिनल बना सकते हो, समथिंग लाइक दिस। दिस इज टर्मिनल वन एंड हेयर दिस इज टर्मिनल टू। दीज आर बेसिकली कनेक्टेड इन द सर्किट। ये आपका फास्फर ब्रोन स्ट्रिप, फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप, इसका मटेरियल का बेटा स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इसकी इलास्टिसिटी वगैरह ज्यादा होती है। कंकेव मिरर, कंकेव, ये आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर, ये आपका हेयर लाइक स्प्रिंग। मिडल में जो सॉफ्ट आयरन का कोर आप प्लेस करते हो बेटा, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए होता है, एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए रादर होता है। इसका काम होता है कि जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इनको इस तरीके से ये ओरिएंट कर देता है ताकि वो सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस मेटेलिक फ्रेम के साथ जो वायर आपने वाइंड किया हुआ है उसमें से पास करके जाए। नाउ इमेजिन आपने इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, इधर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया और आपका करंट ऐसे फ्लो करने लग गया बेटा। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपका करंट फ्लो करने लगा, बिल्कुल वही केस बन गया जो आप इससे पहले डिस्कस कर रहे थे बेटा। इसका मतलब बेटे ये हुआ कि अगर मैं अल्फा एंगल ले लूं विच द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बेटे आपके ये वाला सेटअप जो है तो ये कॉइल ही है ना, वायर ही है ना बेटा, इसकी कुछ लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू एन बी आई ए इन टू साइन ऑफ एंगल अल्फा। ये बात आप प्रेजेंटली कर चुके हो, हम कर चुके हैं ये अभी। आपको और इन टर्म्स के साथ जान पहचान अगर मैं करवा दूं, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल यू हैव वाउंड ऑन द मैटेलिक नॉन मैटेलिक फ्रेम, b दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हॉर्स शू शेप मैग्नेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपने वो यूज कर लिया, i दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, करंट आपके हाथ में है, कम करना ज्यादा करना दिस इज अप टू यू, कम कर लोगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, ज्यादा कर लोगे तो टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने से क्या होगा वो जल्दी से टिल्ट करेगा नहीं तो नहीं करेगा। ए इस पर्टिकुलर कॉइल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ कर लोगे जब आप, अल्फा ये नॉर्मल बन गया कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, जो भी एंगल इनके बीच में आ जाए हम उसको अल्फा बोल देते। अब बच्चों थोड़ा सा और जरा फोकस करिएगा, ये मेरे पास एक पेज पड़ा है, मेरे अपर हैंड को देखिएगा, इस हैंड को अगर ये पेज ऐसे रोटेट करता है ऐसे, तो यहाँ पे जिस जगह से ये रोटेट करेगा, पेज तो नीचे से रोटेट कर गया ऐसे,
इतने पार्ट में ये पार्ट भी वायर का ऐसे ही ऐसे रोटेट करेगा ऐसे। अब ये ऐसे जब रोटेट करेगा, ध्यान दीजिएगा बेटा वंस अगेन, द मोमेंट इट विल ट्राई टू रोटेट, ये आपका टॉर्शनल हेड है मान लो, ये वाला हिस्सा रोटेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर आपने स्क्रू लगाया हुआ है, ये रोटेट होने नहीं देगा। इसका मतलब है कि ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये टॉर्क आपके क्वाइल को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर मैं मान लूं ये वाला फास्टर ब्रोन स्ट्रिप जो है ये भी टिल्ट कर रहा है, तो एवरी मटेरियल मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेंथ और मे बी इन द फॉर्म ऑफ एरिया, आपने 11 स्टैंडर्ड में इलास्टिसिटी वगैरह डिस्कस कर रखी है, जब आप टॉर्क को एलिमिनेट करोगे तो या आप ये कह लो कि इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इमेजिन कर लीजिए बेटा के जो है इट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। रिस्टोरिंग वर्ड का मीनिंग है इसको इसकी इनिशियल पोजीशन में रिस्टोर करने की कोशिश करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो आपने क्या किया, जो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क है इस टॉर्क को और इस टॉर्क को आप वर्कआउट करना चाहते हैं, ये बेसिकली आपका एम है। अब ध्यान दीजिएगा आपके पास एक लेंथ एंड स्केल अरेंजमेंट है, आपने एक स्केल ऐसे सामने रखा हुआ है इस कंकेव मिरर के, आपने इसके ऐसे लाइट फॉल करवाई ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। आई मीन टू से दैट अगर ये यहाँ पे आपका मिरर पड़ा है, आप ये लाइट इंसिडेंट करोगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा। दिस इज द एंगल एट विच द लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, ये एंगल आपको याद दिला देता है कि आपका जो क्वाइल है ये कितने एंगल पर टिल्ट हो गया है बेटा और कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ है। तो देखो अगर यूनिट ट्विस्ट हुआ है, एक डिग्री रोटेट हुआ है, वन यूनिट ट्विस्ट हुआ है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर है। अगर आपका क्वाइल थीटा एंगल पे टिल्ट कर जाता है तो रिस्टोरिंग टॉर्क आपके पास आ जाएगा जी के इंटू थीटा, इसको मैं टू नंबर बोल देता हूँ, इसको बेटा वन नंबर बोल देता हूँ। एक स्टेज आएगी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। मान लीजिए ये क्वाइल यहाँ पे था, इसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब लगा ये ऐसे हो गया, और रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ये वापस जाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे 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 करता रहेगा, थोड़ी देर के बाद ये मान लो यहाँ पे आके सेटल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो गई है, तभी ये यहाँ पे आकर रुक गया है। तो आई मीन टू से दैट टाओ इज इक्वल टू टाओ डैश, अगर आप कंपेयर कर दोगे इन दोनों को, आपका के इंटू थीटा, अगर मैं इसकी मैक्सिमम बात कर लूँ बेटा, अल्फा अगर आपका ये 90 डिग्री हो जाए तो इट विल बी इक्वल टू एम बी आई इंटू ए हो जाएगा बेटा। और डियर चिल्ड्रन आपका जो आई है इट विल बी इक्वल टू यूर बेटा के अपॉन एम बी ए इंटू थीटा। इस पैरामीटर को देखिएगा जरा, जो ये सर्कल्ड है, के आपका रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट वेस्ट है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये हमारे हाथ में नहीं है। एक बार आपने मटेरियल फिक्स कर दिया आप नहीं बदल सकते, के कांस्टेंट हो गया। एन इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी टर्न्स आपने बिगनिंग में रख ली 10 20 50 100 आप बाद में नहीं बदलेंगे, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट तो आप नहीं ना बदल सकते। एन इज कॉन्स्टेंट। बी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जैसा भी आपने मैग्नेट लगा दिया वैसी स्ट्रेंथ आ गई, खत्म हो गया काम। कैपिटल ए इसका लेंथ इनटू ब्रेथ कर लिया, दिस इज आल्सो कांस्टेंट बेटा। इट विल मीन दैट कि अगर आप ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान से देखो तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं बेटा, और वी जस्ट कैन से दैट
हमारा रिलेशनशिप जो है आई, ये आपके पास बन जाएगा जी आई इज इक्वल टू के अपॉन एम बी ए इंटू थीटा, और ये क्योंकि सारे का सारा कांस्टेंट है, आपका जो डिफ्लेक्शन थीटा है ये डायरेक्टली करंट पे डिपेंड करेगा कि कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है। अगर करंट कम है डिफ्लेक्शन भी कम होगा, अगर करंट ज्यादा है डिफ्लेक्शन भी आपका ज्यादा हो जाएगा। करंट कम होने का मतलब बेटे ये हुआ कि उसके ऊपर आपका डिफ्लेक्टिंग आपका जो टॉर्क है वो कम है, अगर करंट ज्यादा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी ज्यादा है बेटा। सो इन दिस वे बेटा आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टेंगुलर लूप वर्क करता है। इसका काफी कुछ अभी करने वाला बाकी है, वी विल बी टेकिंग द थिंग्स लेटर ऑन। अभी मैं इसको एक बार ब्रीफली फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, आई हैव वन मिनट विद मी। इसके सेटअप में आपके पास एक ये फास्फर ब्रोन स्ट्रिप है, कनकेव मिरर आपने लगाया एक बेटा, ये एक वायर वाइंड किया एक नॉन मेटेलिक फ्रेम के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स आप अपने कंट्रोल में रखेंगे, आपका एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो गया, ये सेंटर में आपने एक सॉफ्ट आयरन का मटेरियल रखा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे एक हेयर लाइफ स्प्रिंग है ताकि दूसरा एंड आप अपने कॉइल के साथ कनेक्ट कर सको। इसको सारे को आपने एक वुडन केस में बंद कर दिया ताकि किसी भी स्टेज पे है तो ये कनेक्टिंग वायर ना हमारे साथ कॉन्टेक्ट में ना आ जाए और करंट का या अदरवाइज कोई लॉस ना हो। देन टॉर्क तो आपका उतना ही था, टाउ इज इक्वल टू एम बी आई ए कॉस थीटा या साइन अल्फा, आपने रिस्टोरिंग टॉर्क निकाल लिया, दोनों को कंपेयर कर दिया, आपका बेटे ये डिपेंडेंस आपको मिल गया। सो दिस इज ऑल फॉर द डे बेटा, इससे आगे हम फिर बेटे कल चलेंगे, आप इतना एक बार ध्यान से पढ़ लेना बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माई साइड बेटा, थैंक यू ऑल बेटा।